ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। मैरिज एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में हम बात करें सेवंथ हाउस, और इस वीडियो में बात करेंगे जब इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस में पोस्टेड हो। दोस्तों, इलेवेंथ हाउस एक उपाच्य हाउस है, हाउस ऑफ गेन्स है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है। ये आपके जीवन की तरक्की को शो करता है। आपकी कौन सी इच्छाएं पूरी होंगी, इलेवेंथ हाउस उसको कंट्रोल करता है। जाने सेवंथ हाउस के सिग्निफिकेशन कैसे बढ़ेंगे। नेटिव जो है उसको अपने स्पाउस और उसकी स्पाउस की फैमिली के थ्रू फाइनेंशियली गेन होगा, पैसा मिलेगा, उसके थ्रू उसकी डिजायर्स पूरी होंगी। पैसा मैनेज करने में उसको दिक्कत होगी, पैसा कमाएगा जरूर मगर पैसे की मैनेजमेंट उसके लिए इशू रहेगी। अगर इलेवंथ हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड हो तो जातक की शादी अच्छी होती है, ससुराल से या लेडीज के थ्रू या उसके जो लेडीज के साथ कॉन्टेक्ट्स हैं उसके थ्रू वो पैसा कमाता है। और अगर वही उसका लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो तो जो जातक की कंपनी जो है वो ऑपोजिट सेक्स, जिसका एक लूज करेक्टर है, उसके साथ इन्वॉल्व हो सकता है, उसकी कई शादियां हो सकती हैं। सेवंथ हाउस आपकी डिजायर्स और रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। सेवंथ हाउस की जो डिजायर्स होती है वो बिजनेस की डिजायर होती है, सेक्स की डिज़ायर होती है, और ये सेक्स की और बिजनेस की डिज़ायर्स जब इलेवंथ हाउस के साथ उसका रिलेशनशिप हो जाता है तो उनकी पूर्ति होती है। उसको उसकी सेक्सुअल अर्जित कुछ ज़्यादा हो सकती है और वो ऑपोजिट जेंडर के लिए स्पेशली अट्रैक्टेड रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि मल्टीपल मैरिजेस हो सकती हैं, अफेयर्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकते हैं, या फ्लर्ट करने की आदत हो सकती है। अब ये डिपेंड करेगा कि वीनस की क्या पोजीशन है, जुपिटर की क्या पोजीशन है। अगर वीनस में अफ्लिक्शन है तो ये एक एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है। अगर जुपिटर का उसके ऊपर एस्पेक्ट आता है तो हो सकता है कि उसकी जो सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लाइफ पार्टनर से ही पूरी हो जाए। अभी हम एक एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं विजय माल्या का, जहाँ पर सेवंथ हाउस का लॉर्ड सन इलेवंथ हाउस में पोस्टेड है और जुपिटर जो कि इलेवंथ हाउस का लॉर्ड है सेवंथ हाउस में पोस्टेड है। सो इसने बहुत पैसा कमाया बिजनेस में, पार्टनरशिप में और लेडीज के साथ रिलेशंस में। इनके अफेयर्स की कोई कैलकुलेशन नहीं कह सकते। मैनेजिंग मनी, पैसा मैनेज करने में वो फेल रहा, इसलिए उसको देश छोड़ के भागना पड़ा। तो दोस्तों, ये तो था विजय माल्या का चार्ट, एक एग्जाम्पल चार्ट। इसी सीरीज में बाकी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।